आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 24 घंटे में 1115 नए मामले सामने आए। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 3653। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 1149 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 922, मेरठ में 715 नए मामले सामने आए। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 25,974। देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 24 घंटे में 1115 नए मामले सामने आए। लखनऊ में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,653 दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 1149 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में 922, मेरठ में 715 नए मामले आए सामने। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 25,974। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश भर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। वही बात करें राजधानी लखनऊ की तो 24 घंटे में 1115 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कहर लगातार जारी है। लखनऊ में मरीजों की संख्या 3,653 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 1149 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 922, मेरठ में 715 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 25,974। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर खान जुड़ चुके हैं। अजहर, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं लखनऊ में 1115 नए मामले दर्ज किए गए 24 घंटे में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में लगभग 4 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 1115 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहां भी आंकड़ा लगभग 1000 के पार पहुंच चुका है। वहां भी पिछले 24 घंटे में लगभग 1149 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अगर टोटल ऑल ओवर बात की जाए तो लगभग जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो लगभग 25,974 पहुंच चुकी है, जिसमें राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगभग जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो 3,653 पहुंच चुकी है। और जो इनमें 4 लोगों की मौत हुई है वो लगभग अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते थे, जैसे कि आप मेरठ और बुलंदशहर, बदायूं और प्रयागराज, एक एक लोगों की, चारों जिलों में से एक एक लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि जिन जिलों में 1000 से ज्यादा संक्रमण रेट बढ़ जाएगा वहां पर 50% क्षमता के साथ जिम है और सिनेमा हॉल है वो सारी चीजें खुल जाएंगी। तो तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। जी, अगर बात करें मौत के आंकड़ों की तो लखनऊ में 24 घंटे में कितनी मौत दर्ज की गई है कोरोना जी? लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो तो अभी फिलहाल 0 है। अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति इस तरह की नहीं है, संक्रमण रेट जरूर बढ़ता जा रहा है लेकिन फिलहाल मौत के आंकड़े अभी नियंत्रित है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि जो कोरोना की संभावित सो कॉल्ड तीसरी लहर जिसको कहा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं संक्रमण दर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मृत्यु दर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम है। तो ये काफी एक सकारात्मक बात है कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु रेट है वो बहुत कम है। जी अजहर, अभी तक कोरोना के जो नया वेरियंट है ओमिक्रॉन, उसके कितने मामले दर्ज किए गए हैं? जी ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो उसके लगातार जो मामले हैं राजधानी लखनऊ में वो लगभग 10 से 15 के बीच में जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन के मामले, लेकिन फिलहाल जो ओमिक्रॉन के मामले हैं उसमें भी जो पेशेंट की स्थिति है वो ज्यादा गंभीर नहीं है। जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट में देखा था कि जिस तरह से संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा था, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो हो रही थी, वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्थिति उस तरह की नहीं है। अगर जिसके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए भी जा रहे हैं तो उसके अंदर भी हल्के लक्षण है, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दी गई हैं और उसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं। जी, और अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो 15+ के वैक्सीनेशन कितने हो चुके प्रदेश में? जी बिल्कुल, आपको बता दें वैक्सीनेशन का जो ये
कदम है सरकार द्वारा, जो 15 से 18 साल के लोगों के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तेजी से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि तेजी से किया जाए, जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के बीच में उन्हें लगातार वैक्सीनेशन किया जाए। तो लगभग आप 90% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है फर्स्ट डोज से, और उन्होंने कल दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है वो जल्द से जल्द सेकेंड डोज लगवा लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर जुड़े थे। लखनऊ में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और यूपी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें गाजियाबाद की तो 922 मेरठ में 715 मामले दर्ज किए गए 24 घंटे में, और सक्रिय मामलों की बात करें यूपी में तो 25,974 मामले यूपी से सामने आ रहे हैं सक्रिय मामले। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा निर्वाचन में लगे कर्मियों को भी डोज दी जाएगी, स्वास्थ्य विभाग ने दिए दिशा निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से लगेगी कोरोना की बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा निर्वाचन में लगे कर्मियों को भी दी जाएगी डोज, स्वास्थ्य विभाग ने दिए दिशा निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा जिला उपाध्यक्ष ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, भगवान राम के ऊपर की आपत्तिजनक टिप्पणी, बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर की भगवान की आपत्तिजनक तुलना, आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के भाजपाई पहुंचे कोतवाली, भाजपाइयों ने जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ दी तहरीर, जिला उपाध्यक्ष सौरभ कटियार की गिरफ्तारी की मांग की गई, शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा जिला उपाध्यक्ष ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, किस तरह की टिप्पणी करी गई है, उसके बाद भाजपाइयों का क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? जी, देर शाम सोशल मीडिया के माध्यम से वहां पर टिप्पणी का पता चलता है। सपा जिला उपाध्यक्ष के द्वारा भगवान राम के ऊपर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, और सपा जिला उपाध्यक्ष सौरभ कटियार ने भगवान राम की तुलना बेहद आपत्तिजनक शब्दों से की गई थी। जब भाजपाई नेता अंकित तिवारी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी सत्यम कटियार ने पोस्ट देखी, तो वैसे ही वहां पर उन्होंने अन्य पदाधिकारियों को बताया और भाजपाइयों में कड़ा रोष आ गया। उन्होंने तुरंत ही शहर कोतवाली पहुंचकर सपा जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी, तो इस तरह की पोस्ट करने के बाद आम जनता के बीच जब ये खबर आई तो उनका क्या कहना है? जी, आम जनता के अंदर भी भारी आक्रोश है, क्योंकि सभी का कहना है भगवान राम पूरे देश के आदर्श हैं और उनके खिलाफ की गई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाती है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए देर शाम ही छापा मारकर जहानगंज स्थित उनके आवास, सपा जिला उपाध्यक्ष के आवास पर से ही उनको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़े थे फरुखाबाद से। भगवान राम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद भाजपाई आक्रोशित हो गए सोशल मीडिया पर भगवान राम के ऊपर की आपत्तिजनक टिप्पणी। गोरखपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बड़ी खबर सामने आ रही है। जो गोरखपुर में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 194 कोरोना मरीज आए सामने। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 587 हो गई है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 194 मरीज कोरोना संक्रमित। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 587 पहुंची, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लगातार सक्रिय मामलों की गिनती बढ़ती जा रही, गोरखपुर में कोरोना की रफ्तार बेलगाम, 24 घंटे में 194 मरीज आए सामने। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 587 पहुंची, बड़ी खबर सामने आ रही है।
गोरखपुर में कोरोना की रफ्तार में काबू। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 194 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेता आरएस कुशवाहा पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता कोविड उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। समर्थकों को बुलाकर सभा का किया था आयोजन। निगासन कोतवाली क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां सपा नेता आरएस कुशवाहा पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता कोविड उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर से, जहां समर्थकों को बुलाकर सभा का किया था आयोजन। निघासन कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।